आदित्य की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। आदित्य ने अपनी उच्च शिक्षा और आकर्षक करियर की संभावनाओं को छोड़कर उस पद का चयन किया जिसमें उनका मन लगता था, सिविल सेवाएं। उन्होंने अपने पिता अजय कुमार श्रीवास्तव के सपनों को साकार किया, जिन्होंने हमेशा चाहा कि उनका बेटा देश की सेवा करे। आदित्य ने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MTech पूरा किया। उन्होंने 40 लाख का पैकेज छोड़ दिया और UPSC की कठिन परीक्षा के लिए चुनौती स्वीकार की। आदित्य ने प्रतिदिन 14 घंटे की पढ़ाई की और उनका पहला लक्ष्य टॉप 15 में आना था, लेकिन उन्होंने इससे भी बेहतर कर दिखाया और पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। आदित्य श्रीवास्तव ने UPSC का कठिन एग्जाम कैसे क्लियर किया, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं उनके पिता। तो चलिए जानते हैं अजय कुमार श्रीवास्तव से। अजय कुमार श्रीवास्तव, सर हमें पहले ये बताएं कि इतना प्राउड मोमेंट है, अब तक उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने तैयारी की, इसके बारे में बता दीजिए। तैयारी तो उसके प्लान, हम उसका जो ये था हाई स्कूल से ही था कि उसको सिविल सर्विस करना है। पढ़ने में शुरू से अच्छा था पढ़ने में, तो उसका हम लोग का भी था कि नहीं अच्छा है पढ़ने में तो सिविल प्रशासनिक सेवा में जाए, और उसने हम लोग का सपना साकार किया आज। और पढ़ने में अच्छा था ही शुरू से। अभी वो पोस्टिंग नहीं है, ट्रेनिंग कर रहा है। पिछली बार उसका IPS सिलेक्शन हुआ था, तो अभी IPS की ट्रेनिंग हैदराबाद में कर रहा है। ये थर्ड अटेम्प्ट था उसका। रैंक 236 था पिछली बार। नहीं, रिजाइन नहीं किया था वो, जैसे जब IPS में हुआ था ट्रेनिंग के लिए फाउंडेशन कोर्स में जाना पड़ता है मसूरी, तो 3 महीने का एक्सटेंशन लेकर उसने ये एग्जाम दिया था। जब ये एग्जाम देने के बाद फिर ट्रेनिंग में चला गया था वो। लखनऊ CMS अलीगंज, पूरा मॉन्टेसरी से लेकर के इंटरमीडिएट 15 साल तक पढ़ाई CMS से किया, और इंटर के बाद फिर IIT में सिलेक्शन उसका हो गया। IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से उसने MTech किया। हम कैग में है, CAG ऑडिट में। सर जब रिजल्ट आया आपने देखा तब कैसा गया? नहीं देखा नहीं, हम लोग बेटे का ही फोन आया है। चलो जनरली फोन करता नहीं है वो, दोपहर में लंच में हम लोग आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट आज आएगा, तो हम भी देख रहे थे, तो लेकिन उसके पहले उसी का फोन आ गया, पापा जी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है, कुछ ज़्यादा ही लगता है हो गया है उसने कहा। अच्छा। तो हमको लगा कि नहीं, हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई ये चल रहे थे कि टॉप 50 में तो आ जाना चाहिए उसको इस बार, लेकिन रैंक वन का उम्मीद नहीं था हम लोगों को। तो उसने बोला कि रैंक वन आ गया है, तो हम लोग भी भाई विश्वास तो नहीं हुआ हो रहा था उस समय, लेकिन फिर सर क्या बातचीत हुई? बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाया एक्चुअली, वो सब वहाँ पर आवाज़ बहुत आ रही थी, सब उसको दिखा रहे थे, हम लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे थे जितने एकेडमी के सब उसके IPS प्रोफेशनल सब उसको कंधे में लेके घूम रहे थे, पूरे वहाँ दिखा रहे थे, तो उसको भी फुर्सत नहीं था। रात में बात होगी उससे। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे ये मान के चलिए? 10-12 घंटे तो उसके रेगुलर की पढ़ाई थी मिनिमम, उससे ज़्यादा पढ़ता होगा कम नहीं पढ़ता होगा। सर आप लोग किस तरह से मोटिवेट करते थे? मोटिवेट हम लोग भाई शुरू से, हम लोग का भी था कि वो प्रशासनिक सेवा में जाए, और पढ़ने में अच्छा था तो हम लोग कहते थे घबराना नहीं है, अगर कोई दिक्कत भी है, पहले चांस में उसका प्री में नहीं हुआ था, तो हम लोग बोले थे होगा तुम्हारा जरूर, पढ़ाई तुम करो, तो हम लोग साथ में खड़े थे उसके बाद, समझिए। सर मैंने उनके कुछ आर्टिकल्स पढ़े जिसमें पता चला वो क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्प, क्रिकेट, हाँ क्रिकेट का है उसको शौक बहुत था, क्रिकेट खेलता भी था और क्रिकेट के सारे मैच देखता था वो। सर उनका शुरुआत से ही ये मोटिव था कि यही? नहीं नहीं, यही इसका प्रशासनिक सेवा में जाने का शुरू से एम था उसका। सर घर में और कोई और है उनका प्रेरणा स्रोत? मामा जी हैं जो एकेडमी लवासना के डायरेक्टर रहे हैं, वो रिटायर कर गए, विनोद कुमार जी, वो प्रेरणा स्रोत है उनके अभी। है वो अभी आप उनकी बहन के बारे में बता बेटी? हाँ बेटी हमारी है, वो अब इंटर की थी तो उसको हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दिया है DU में, तो तैयारी उसको भी करना है, अभी शुरुआत तो नहीं की है, 1 साल बाद तैयारी। प्रियांशी श्रीवास्तव। सर हमें ये बताएं कि कब आ रहे हैं आपके बेटे? बेटा 22nd को आ रहा है, पहले से प्लानिंग था, वो IPS की ट्रेनिंग के बाद 1 वीक का ब्रेक होता है तो उसमें वो आ रहा है। सर क्या प्लानिंग है अब? किस तरह से आप प्लानिंग? तो पहले है कि पहले तो स्वागत करेंगे, मंदिर जाएंगे पहले हम लोग, जहाँ जहाँ माना हुआ है हम लोग का, क्योंकि उसका समय है नहीं, 5 ही दिन रहेगा हम लोग के साथ में, पहले मंदिर जाएंगे, और उसका देखिए अभी दोस्त यार सब हैं कि कितना तो करना ही पड़ेगा, और उसका फिर एंजॉय किया जाएगा। सर रिजल्ट आने के बाद से कैसे रिएक्शन आ रहे हैं परिवार के लोगों के, कॉल्स आपकी? फोन तो बहुत आ रहे हैं, हमने तो उठाए नहीं, कितने लोग फोन आए उठाए नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं देखा है अभी, और बात किया शाम में करेंगे बात सबसे। सर एक आखिरी सवाल, जब वो तैयारी कर रहे थे या जब रिजल्ट आने वाला इस दौरान आपकी बात हुई होगी तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? नहीं रिजल्ट आने वाला था, एक्सपेक्टेशन तो था ही, तो वो कहा था कि पिछली बार पापा जी जैसा हमारा IPS में हुआ था तो हर पेपर हमारे थोड़े थोड़े अच्छे हुए हैं, मैंने हर में हमारे मार्क्स ऐड होने चाहिए थोड़े थोड़े, तो उसके करीब वही 16 से 20 नंबर का था पिछली बार, IIS से रह गया था वो, तो हमको लगा इतना तो मार्जिन ले लेगा, तो हमको लगा टॉप 50 में उसको आ जाना चाहिए, ये उम्मीद हम लोग लगाए थे, लेकिन रैंक वन आ जाएगा इसकी तो उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। सर एक आखिरी सवाल कि इससे पहले वो कहीं पर जॉब कर रहे थे, वो बता? गोल्डमैन सैक्स में IIT के बाद कैंपस सिलेक्शन में उसका गोल्डमैन सैक्स में हो गया था, करीब 40 लाख के आसपास पैकेज था उसका उस समय,
तो अब ये था उसका एम सिविल सर्विस का था, तो भाई जॉब तो छोड़ना ही था, तो भाई जॉब छोड़ा, तैयारी शुरू किया था यहाँ। रिजाइन कब दिया था उन्होंने? 21 में रिजाइन किया उसने, और वही प्री था जब पहला प्री होना था, एक महीने का समय बचा हुआ था जो रिजाइन किया था वो, तो अब वही था कि एक महीने में पूरा सिलेबस क्या रिवाइज नहीं कर पाया था वो, तो उस बार रह गया उसका। 87 कट ऑफ गए थे, 84 उसके आए थे उस समय। सर, जो बच्चे इस बार सफल नहीं हो सके उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए भाई धैर्य की जरूरत, इस सब एग्जाम बड़ा एग्जाम है, धैर्य की जरूरत है। तैयारी अगर अच्छी है तो थोड़े बहुत नंबर से रह जाता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट पूरा प्रयास करना चाहिए, जो लगा जहाँ जहाँ कमी है मालूम तो हो जाता है कि हम किस क्षेत्र में हमारी कमी रह गई है, उसको पूरा करें, हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, मेहनत करेंगे। आदित्य श्रीवास्तव की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए अडिग संकल्प और लगातार प्रयास जरूरी है। उनकी यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपने को सच करने के लिए कठिन राह पर चलने को तैयार है। लोकल 18 लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।